नमस्कार दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोगों को जो पीडीएफ अवेलेबल करवाए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कर लिया होगा। खास तौर से जो जीएस के हमने पीडीएफ अवेलेबल करवाए थे, जिसमें कि हिस्ट्री, साइंस, साइंस में तीनों ही सेक्शन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के, और साथ में पॉलिटी, 4 जीएस के सब्जेक्ट है जो कि मैंने आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया है। आज मैं आप लोगों के जो प्रिपरेशन है उसको चेकआउट करने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, उसको जांचने के लिए मैं आपको पीडीएफ के रूप में आज प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट 2 तरह के हैं, एक तो 1 से 5 के वैसे स्टूडेंट जो कि 1 से 5 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग सेट है, जबकि 9 से 12 क्लास के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50 क्वेश्चंस का सेट मैं लेके आया हूँ। फुल लेंथ सेट है जिसको कि आपको बनाना है, और साथ में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना सॉल्व किया है। बायलिंगुअल किया गया है, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों ही पीडीएफ आपको जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके टेलीग्राम चैनल जो दिए गए हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आपको 2 दिन में ये 5 जो सेट है उसको बनाने हैं, और साथ में कॉमेंट करने हैं कि आपको जो 1 से 5 के शिक्षा अभ्यर्थी हैं क्या उनको 150 में से कितने उन्होंने स्कोर किए हैं, और जो 9 से 12 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बताएंगे कि 50 में कितना उन्होंने स्कोर किया है। तो ये आज के लिए आपके लिए प्रैक्टिस से जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में आपको देखना जरूरी है कि आपकी जो तैयारी है वो सही ट्रैक पर चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आज आप लोग प्रैक्टिस करके मुझे कल तक कॉमेंट करके बताएंगे कितना आपके मार्क्स मिले हैं। जो भी सेक्शन अगर लगता हो कि वीक रह गया है, उस सेक्शन के हिसाब से आपको हम अलग से भी मटेरियल जरूरत होगी तो प्रोवाइड कराएंगे। नोटिफिकेशन आने के साथ ही आपको और भी डिटेल्स में कुछ भी मटेरियल चाहिए होगा तो मैं आपको बताऊँगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 स्टॉप सेंटर जहाँ से सभी पीडीएफ आपको मिलेंगे, और आपको तैयारी हमारे साथ करनी है, क्योंकि तैयारी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक हो सकती है, जो पीडीएफ हो सकती है वो अवेलेबल करा रहा हूँ, साथ में जो भी बुक जरूरत पड़ेगी वो भी बताऊंगा। तो आप सभी तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए, क्योंकि एग्जाम जो है अगले 100-120 दिन में होने वाली है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच।